वेलकम टू आमिक रेजर का, मेरा नाम है अमृत। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ में अमेजिंग टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपकी बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। मेरे चैनल पे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स मिलते रहते दोस्तों, वो भी रोज। इसीलिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए और बेल आइकन के साथ, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मेरी आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों किसी पार्टी में, किसी ओकेजन में जाने से पहले एक बार इस रेमेडी को लगा लें, आपके चेहरे की चमक देखकर सब लोग हैरान हो जाएंगे। तो आज मैं आपके साथ में चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो लाने का बहुत ही जबरदस्त नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ। हमारे घर में कोई इवेंट होता है, कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो हम ब्यूटी पार्लर जरूर जाते हैं। तो अगर आप इस रेमेडी को लगा लेते हैं तो आपका समय और पैसा दोनों ही बच जाएगा। इस रेमेडी को बनाने में कोई मेहनत नहीं लगने वाली है, केवल कुछ ही इंग्रेडिएंट्स में हम इस रेमेडी को बनाने वाले हैं जो कि आपके घर में ही अवेलेबल होती है। सबसे पहला और मेन इंग्रेडिएंट इस रेमेडी का है, वो है इनो। इनो के साथ एक और चीज़ हम इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों, वो है ग्लिसरीन का। जी हाँ दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि इनो के साथ लेमन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि इंस्टेंट ग्लो तो आ जाता है मगर वो हमारे स्किन के लिए हानिकारक हो सकता है। परंतु अगर हम इनो के साथ ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे स्किन में नमी बरकरार रहेगी, ग्लिसरीन हमारे स्किन को ड्राई होने नहीं देगी। इनो तो हमारे घर में मिल ही जाता है, होता ही है। साथ ही अगर आपके घर में ग्लिसरीन ना हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, आप ग्लिसरीन की जगह पर एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले, आप एलोवेरा जेल ले लें या ग्लिसरीन ले। इनो को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हमारे स्किन पे बुरा प्रभाव ना पड़े, आगे हम इस वीडियो में देखते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके चेहरे पर से झाइयां, पिगमेंटेशन भी दूर हो जाएंगी। तो पहले हम जान लेते हैं कि इनो क्या होता है दोस्तों। इनो जो होता है एक फ्रूट सॉल्ट होता है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, लेमन में भी सिट्रिक एसिड होता है। इसीलिए दोनों ही चीज़ों को हमें एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है, वरना हमारी स्किन पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए इनो के साथ आपको हमेशा किसी भी माइल्ड चीज का इस्तेमाल करना है। माइल्ड चीज यानी ग्लिसरीन या एलोवेरा जेल आप ले सकते हैं। इनो जो है हमारे स्किन पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है और साथ ही हमारे स्किन को ड्राई करता है, इसीलिए हम इसके साथ में ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्लिसरीन के इस्तेमाल से हमारी त्वचा पर ड्राइनेस नहीं आएगी। आप देखेंगे दोस्तों इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके चेहरे पर गजब का निखार आएगा और साथ ही झाइयों को, दाग धब्बों को दूर कर देगा ये नुस्खा। तो यहाँ पे इस रेमेडी को बनाने के लिए करीब एक छोटा चम्मच इनो का पाउडर हमने डाला था, एक छोटा चम्मच यहाँ पे मैं ग्लिसरीन का मिला रही हूँ। अब इस ग्लिसरीन को इस इनो में आप मिला लें और दोनों ही चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से मिला लें। आप दोनों को मिलाएंगे ना तो एक थिक पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब देखिए थिक पेस्ट जो है वो तैयार हो गया है। इस पेस्ट को अब अपने चेहरे पर आप लगा लें। इस पेस्ट को आपको चेहरे पर रब नहीं करना है, मसाज नहीं करना है, केवल अप्लाई करना है और इसे केवल 15 से 20 सेकंड ही आप अपने चेहरे पर रखें, उसके बाद आप चेहरे को धो लें। इसे आप बिल्कुल भी ज्यादा देर तक अपने चेहरे पर ना रखें, केवल 15 से 20 सेकंड के लिए ही रखें और उसके बाद ठंडे पानी से आप अपने चेहरे को धो लें। ये नुस्खा बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और फायदेमंद है दोस्तों। आपको मैं चेहरे पर भी लगा के बताऊंगी, पहले मैं आपको हाथ पे लगा के बता रही हूँ। हम कैसे जब ब्लीच कराते हैं तो हम 15 से 20 दिन के लिए हम गोरे लगने लगते हैं, तो उसी तरीके से इनो भी एक नेचुरल ब्लीच का ही काम करता है और साथ ही दोस्तों ये चेहरे के दाग धब्बों को भी बिल्कुल हटा देता है। 10 दिन में एक बार इस रेमेडी का आप ज़रूर इस्तेमाल करें दोस्तों, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। आपको केवल हल्के हल्के हाथों से ही अप्लाई करना है दोस्तों, रगड़ना इसे बिल्कुल भी नहीं है, मसाज बिल्कुल नहीं करनी है और फिर 15 से 20 सेकंड के बाद आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लें। इस रेमेडी से नेचुरली आप अपने खोए हुए निखार को वापस पा सकते हैं और फिर 15 से 20 सेकंड बाद आप इसे धो लें। आप देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल शाइन आ गई है जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था वहाँ पे। और इस रेमेडी को मैं अपने चेहरे पर भी लगा के बताऊंगी आपको। आप इस रेमेडी को तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपको कहीं बाहर जाना है अर्जेंट में और कहीं शादी में जाना है, आपके पास समय नहीं है तैयार होने के लिए, तो इस रेमेडी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेंट ग्लो के लिए। आप इस रेमेडी को जरूर ट्राई करें दोस्तों, आपको खुद ब खुद फर्क महसूस लगने लगेगा। और दोस्तों यदि आपकी सेंसिटिव स्किन है, आपके चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स है, तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आप इस रेमेडी को पिंपल्स के चेहरे पर बिल्कुल ना लगाएं, साफ चेहरे पर लगाएं जिसमें कोई पिंपल ना हो। तो मैं अपने पूरे चेहरे पर आपको लगा के बता रही हूँ, बस हल्के हल्के हाथों से ही आपको करना है। तो इसे आप अपने पूरे चेहरे पर लगाएं, साथ ही मैं अपने गर्दन पे भी इसे लगा रही हूँ और बस हल्के हल्के हाथों से इसे बस अप्लाई कर रही हूँ पूरे चेहरे पर। बस केवल 15 से 20 सेकंड के लिए अप्लाई करें और अपने चेहरे को अच्छे से साफ पानी से धो लें और वॉश करने के बाद आपको रिजल्ट बता रही हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं कि चेहरे पे बहुत ही बढ़िया चमक आ गई है, चेहरा इंस्टेंटली ग्लो करने लगा है।
और चेहरे पर नेचुरल चमक आ गई है। तो इस रेमेडी को आप भी जरूर इस्तेमाल करें दोस्तों, आपको ये रेमेडी बहुत पसंद आएगी। साथ ही अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही होगी, इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आपके जरिए उनकी भी मदद हो जाए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशन मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।